हेलो गाइस, नमस्ते। आप सभी को जोड़ीदार की तरफ से राम राम, राधे राधे। तो इस व्लॉग में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हम अपनी बसंत पंचमी कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और कुछ लोगों से हम अपने चैनल के रिव्यूज भी लेंगे कि उन्हें हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तन्वी, तुम मुझे आज कहाँ लेके जाने वाली हो? बताओ तुम कहाँ लेके जाने वाली हो? बताओ तुम कहाँ लेके जाने वाली बसंत पंचमी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। आज के दिन हम माँ सरस्वती का जन्मदिन मनाते हैं। आज ही के दिन हमारे प्रभु श्री राम माता शबरी से दंडकारण्य वन में भी मिले थे। और आज से ठीक 40 दिन बाद होली का त्योहार भी मनाया जाता है। 2-3 स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। आज हम आए हैं अपनी आंटी के पास और उन्होंने हमारे लिए बनाई है ताहरी। आंटी नहीं, माँ। माँ, सॉरी, माता श्री। हम ताहरी खाते खाते आंटी से कुछ बात करने वाले हैं। बिल्कुल, पूछो क्या बात करनी है, करो। आंटी, आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं? एकदम मस्त। oh, yeah! मतलब लगता है कि हाँ कुछ है इसमें। आपको मेरी सबसे अच्छी वीडियो कौन सी लगी अब तक की? मुझे सबसे अच्छी वीडियो एक तो वो बर्थडे पे जो अनाथ आश्रम वाली बनाई थी, वो अच्छा अच्छा हाँ मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई थी। और एक मुझे अभी जो मंदिर की अमरनाथ मंदिर की बनाई वो मुझे सबसे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि उसमें इतिहास की जानकारी तुमने बहुत अच्छी दी। ज्यादातर लोग आजकल की जेनरेशन के ऐसे हैं जो पीछे की बातों को नहीं जानते या जानना नहीं चाहते, लेकिन अगर इस तरह के छोटे 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 क्लिप्स उन लोगों को मिल जाते हैं तो इन क्लिप्स के जरिए बच्चों को बहुत कुछ पता चल जाता है। अमेजिंग। वो वैसे अगर इतना पीछे ना जाए लेकिन एक छोटी सी बात में बहुत सारी बात उन्हें मिल जाती है, तो वो इन चीजों को जरूर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, समझ जाते हैं मतलब क्या चीज कैसे। तो वो मुझे इसलिए सबसे अच्छी लगी कि धार्मिक तो थी ही, उसके साथ साथ प्राचीन बातों की जानकारी बहुत सारी थी, ऐसे मुझे बहुत अच्छी लगी। तब उसमें बसंत कुछ भी तो है नहीं। क्यों? वो तो है ही नहीं। पतंग वतंग कहाँ उड़ रही है? कौन सब लोग? मैं थोड़ी देर में करती हूँ। तो एक पतंग उड़ाएंगे आपस में, बेच करेंगे क्या? बना ऐसे भी अपने पतंग। मिस्टर मनन अरोड़ा, 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 राम राम। क्या है मनन? मनन क्या है? मनन क्या है? तूने वाली वीडियो देखी थी? अरे ज्यादा पैसा है तो 5-6 करोड़ इधर मुंह पे फेंक के मार दो। 200-400 और तुम? तुम दिखाओ। ये काला हो गया हाथ। ये दांत है, अभी जादू हो रहा है। वो बना के कितना बच्चा मेरे बुरी भी है। ब्लैक शर्ट लेना है फरहान करा भैया, व्हाइट शर्ट दे दो ना, उस पर अपना हाथ रख देना। भाई मुझे माँ कसम खा रहा हूँ, मुझे ये नहीं पता था। देखो मैंने खाली रील का पता है, मेरे को दीदी रील बनाते हो आप दोनों। तू जरा मेरी व्हाट्सएप चैट खोल सबसे पहले। बहुत बढ़िया, आपसे यही उम्मीद थी। मनन पत्र लेने आए थे कि क्या कैसे मनाते ये कानून का पहना। एक ही भेज रखा आपने भाई, मैंने माँ कसम नहीं देखा आज तक। ये देख ले, सारे भेज रखे हैं। ये तो देख, ये क्या है भाई? मुझे याद नहीं था माँ कसम। अबे स्टॉप लाइंग, यू आर अ लायर। अभी तो मैं बताऊंगा तुम्हें। अभी तो मैं बता रहा हूँ, अभी आ जाना। डांस है ना,
गूगल, ये मेन गूगल है ये, और ये गूगल 2.0 ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी बदल इट्स दिव्यांशु 24, इट्स दिव्यांशु 24 फॉलो करो इन्हें, और डी वर्मा पिक्सो, डी डॉट वर्मा पिक्सो, डी डॉट वर्मा, ओके हमने कोलैब किया, और ये मनन बत्रा। पिंक पिंक और तुम काले काले बिल्कुल, उसका फेस तुम्हारे कुर्ते जैसे दिख रहा है। ऐसी बिजली दिख रहा है। अब हम आ गए हैं मेरी नानी के घर, और मैं इसे यहाँ की सैर कराने वाली हूँ। ये थोड़ा पुराना पुराना जैसा घर है, और मुझे ये बहुत ही सुंदर लग रहा है, जैसे पुराने घर हुआ करते थे पुराने जमाने के। हाँ चलो, ये मेरी मौसी है, वो मेरी मामी है, छोटी वाली मौसी आप मेरी हैं। तो मिस तन्वी, आपको पतंग उड़ाते हुए कैसा लग रहा है बताइए, बताइए कैसी। स्टॉप लाइंग, यू आर लाइंग। पंचमी मनाते हुए पतंग दिखा दो, कितनी उड़ रही है यहाँ पे, पतंगे ही पतंगे हैं, चिड़िया ही चिड़िया, चिड़िया चिड़िया नहीं है, पतंगे हैं चारों तरफ, आसमान पतंग से ही भरा हुआ है। लुखेर कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए बताइए बताइए। दो पतंग काटी हमने, अब तो तोड़ा ही होगा। ठीक है ठीक है ठीक है। बढ़िया लगते हैं, और स्टॉप लाइंग यू आर लायर। सबसे बढ़िया बात जिस तरीके से तुम एक्सप्लेन करते हो सारी चीजों को उनके रिलीजियस बिलीफ पर, तो ज्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आज की डेट में बहुत जरूरी है कि जो यूथ है उसको पता होना चाहिए कि हम बसंत क्यों मनाते हैं, होली क्यों मनाते हैं। बस ज्यादातर आजकल लोग मनाने के ऊपर ध्यान देते हैं, तो इट्स वेरी गुड जिस तरीके से तुम लोग एक्सप्लेन करते हो। थैंक यू सो मच भैया। और हमारी कौन सी वीडियो सबसे अच्छी लगती है, लगी मतलब? मुझे तो तुम्हारी सबसे अच्छी वीडियो वो लगी थी, इंडिपेंडेंस डे वाली लगी थी अभी, सॉरी वो 15 अगस्त, सॉरी 26 जनवरी वाली, अभी फिलहाल ही, हाँ रिपब्लिक डे वाली। फिलहाल वीडियो तो सारी अच्छी लगती है, ब्लूपर ज्यादा अच्छी लगती है। और ये कुछ बताओ कि हम आगे जाके कुछ कर सकते हैं इसके थ्रू या नहीं? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, अवेयरनेस ओपन रखो, लोग क्या देखना चाहते हैं वो लोगों को बताओ कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लगते हैं। देखिए बनावटी बताऊं कि सच सच बताऊं? सच सच बताता हूं। जब से मैंने आपका चैनल देखा है तो मेरे को लगा था कि जैसे आजकल यूथ है आज की, वो चैनल बनाने में लग रहे हैं लेकिन वो कंटेंट इतना अच्छा नहीं डालते, लेकिन आपके चैनल पर मेरे को थोड़ी नॉलेजेबल चीज़ मिली, और मेरठ में रहने के बाद मेरे को इतना नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ें मिलती हैं, और ओगरनाथ मंदिर के बारे में नहीं पता था जो लास्ट व्लॉग में मैंने पता किया, तो वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। उस वजह से मैंने कई लोगों को सजेस्ट भी किया, और जो मेरठ में रहते हैं उन्हें देखना चाहिए, जो बाहर रहते हैं उन्हें भी देखना चाहिए, क्योंकि मेरठ में भी बहुत सारी घूमने की जगह हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे से कहा मेरठ में घूमने के लिए बाहर जाना पड़ता है, मेट्रो सिटी नहीं है लेकिन मिनी मेट्रो तो है यहाँ पर, तो वैसे ही मेट्रो।
तो आप आओगे तो आपको मिनी मेट्रो ही पूरा मेरा घुमा देगी। यस थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल जुड़ीदार को सब्सक्राइब करें।